गुरुवार सुबह लोकसभा में हंगामे पर शर्म से झुका सिर तो शाम होते होते दिल्ली के विधायकों ने भी वही सब दोहरा दिया। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। ये विधायक सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पहले ऐलान ये किया गया था कि चार दिन के इस विशेष सत्र के पहले ही दिन जन लोकपाल बिल पेश किया जाएगा, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर साठगांठ का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों के बीच में जो आज तक साठगांठ थी, वो साठगांठ आज सामने आई है और आज इन दोनों पार्टियों ने दिखा दिया कि ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं, दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं। आज उन्होंने एक भी हाउस के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि हंगामा विधानसभा के अंदर ही मचा, विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जन लोकपाल विधेयक को पास कराने के तरीके पर कांग्रेस और बीजेपी एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके के रेशियल इंसिडेंट्स बढ़े हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के ऊपर हमले बढ़े हैं, वो हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। वो हमने स्पीकर साहब से ये अनुरोध किया कि हारून यूसुफ साहब और देवेंद्र यादव जी का जो कॉलिंग अटेंशन है, उस कॉलिंग अटेंशन को तुरंत प्रभाव से जो है एडमिट किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को, देश की जनता को ये बार बार झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जन लोकपाल बिल के विरुद्ध है। अगर जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में जब लाया जाएगा, अगर उसको दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की स्वीकृति होगी, जैसा संविधान की हर धारा के अनुरूप होना चाहिए, तो हम उसके साथ खड़े हैं, 100% से ज्यादा खड़े हैं। इससे पहले सुबह केजरीवाल कैबिनेट ने स्वराज बिल को भी हरी झंडी दे दी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि दिल्ली सरकार के बिल पास कराने के तरीके को लेकर केंद्र के अलावा राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के भी रुख से यह साफ है कि फिलहाल इन विधेयकों के मुद्दे पर केवल अटकलबाजी हो रही है। अनुज यादव की रिपोर्ट, TD News दिल्ली।